नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या अपनी भूमिका अदा करते हैं, और एक जो हमारे इंडिजीनियस जो केचुए थे जिनको हमने रसायन छिड़क छिड़क कर, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर, यूरिया का प्रयोग कर जिनको हमने मार डाला है, वो जिस मिट्टी में मौजूद हैं आज भी, उस मिट्टी की कैसी स्थिति रहती है, कैसी पोजीशन रहती है, आज मैं थोड़ा उसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वो मिट्टी कितनी बुरबुरी होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रसायन डालते रहते हैं, ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड डालते रहते हैं, वहाँ पे सारे सूक्ष्म जीवाणु, सारे केचुए नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी हार्ड हो जाती है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं पाठा मार जाती है, एकदम सख्त मिट्टी हो जाती है। तो वो मिट्टी ख़राब हो जाती है खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और आगे चलकर हमें नुकसान झेलना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे इंडिजीनियस केचुए हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं धरती को उपजाऊ बनाने में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी बुरबुरी मिट्टी है, ये दाने बना रखे हैं मिट्टी के, आप देख सकते हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट। ये जो भारत हमारे जो देसी केचुआ होता है जमीन के अंदर, वो जमीन के अंदर सुराख कर देता है, मिट्टी को खाता रहता है और पीछे से निकालता रहता है। तो पीछे जब निकालता रहता है तो वो एक तरह से ये खाद बन जाती है। ये ऐसे दाने दाने से बना रखे हैं, ये दाने दाने हमारे केचुए ने ही किया हुआ है। तो मिट्टी के अंदर सुराख बना देता है जिससे ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती रहती है, और उसमें जीवाणु ज़्यादा होंगे तो वो मिट्टी एक सोना मिट्टी हम उसको कह सकते हैं, तो उपजाऊ मिट्टी हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने कैसी बुरबुरी मिट्टी कर रखी है। आप देखिए, आप इतनी अच्छी मिट्टी देखिए, आप बुरबुरी कितनी बुरबुरी मिट्टी कर रखी है। और मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा यहाँ केचुए दिखाने की, जो हमारे देसी केचुआ, देखो ये रहा जो देसी केचुआ होता है, देखिए ये हमारा देसी अंदर जा रहा है अभी, देखिए देखो ये हमारा देसी केचुआ है, ये आ रहा ये अगर मैं ज़्यादा उंगली मारूंगा तो ये मर सकता है। देखिए ये देसी केचुआ, ये वाला, अब ये देसी केचुआ हमारा इतना मजबूत होता है, देखो ये देखिए केचुए कितने हैं, हद से ज़्यादा केचुए। ये प्रूव करता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रसायन नहीं छिड़का गया है, सालों से यहाँ पर कोई रसायन नहीं छिड़का गया है, ऐसी स्थिति होती है। और ये इतनी बुरबुरी मिट्टी इसने कर रखी है, ये केचुए हैं, ये रहा। अब ये ज़्यादा इसको ओपन करेंगे तो ये मर जाएंगे बेचारे धूप में, और ये मिट्टी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। अब ये केचुआ देखिए, ये रहा नीचे, ये जाना, और ढक दो इसको, ढक दो। तो इस मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो केचुए हैं वो, जो देसी केचुए हैं वो मोटे होते हैं, काफ़ी साइज मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं वो जो बाहर से इम्पोर्टेड, जो हमने विदेशों से पतले पतले छोटे छोटे केंचुए मंगाए हैं उन पे तो सब्सिडी देती है, और हमारा जो देसी केंचुआ है उस केंचुए को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, उसको बढ़ावा नहीं दे रही है। ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारा जो देसी केंचुआ होता है वो मोटा होता है और उसके अंदर मिट्टी को भी पलटने की क्षमता रहती है, मिट्टी को भी वो पलट देता है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करता रहता है। बल्कि जो विदेशी केचुआ होता है उसके अंदर वो ताकत, वो जान नहीं है। मैं आपको पीछे जो खेत है जहाँ पे ज्वार उगाई गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े एग्जांपल ये भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखिएगा इस मिट्टी में यहाँ पे छोटे छोटे से दाने से, ये देखिए आप छोटे छोटे, ये के बुरबुरी बुरबुरी सी मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे दाने से हैं, ये केचुओं ने ही कर रखे हैं। ये पहले गांव में दिखता था, अब बिल्कुल बंद हो गया।
अब ये जो केंचुए हैं, जो व्यक्ति अपने खेत में अंधाधुंध रसायनों का छिड़काव करता है उस खेत को ये या तो छोड़ देते हैं या वो वहाँ पे मर जाते हैं, जो उसके बीच में फंस जाते हैं वो केंचुए मर जाते हैं। और कुछ केंचुए जो आसपास में होते हैं वो गंद की वजह से छोड़ के उस खेत को दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे यही हाल है कि आजू बाजू के सारे केंचुए इस भूमि में इकट्ठे हो गए हैं और इसकी उपजाऊ क्षमता को और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। तो पीछे मैं ज्वार जहाँ पे काटी जा रही है, हरा चारा उगाया गया है, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो भूमि के अंदर केंचुए हमारे ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, बस हमने अपनी ज़मीन को जहर मुक्त करना है। केंचुए इतनी संख्या में आ जाएंगे कि हद से ज़्यादा। ये पीछे खेत है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर राधा कृष्ण डेयरी फार्म ताला गांव में हम हैं और यहाँ पर जो किसान हैं जो खेती देखते हैं यहाँ पर और वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हैं और एग्रीकल्चर को संभाल रहे हैं वो हरिशंकर भाई हैं। हरिशंकर भाई से हम बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कैसे सर, आप ठीक हैं? हाँ, बढ़िया साहब। अच्छा, आप जैसे हमारी बात हुई थी, आप 20 सालों से आप केंचुओं के संपर्क में हो और मिट्टी पे काम कर रहे हो आप। हाँ। तो केंचुआ मिट्टी किसान के लिए क्यों जरूरी है, क्या फायदा होगा किसान का केंचुए रखने से, और एक जो हमारी मिट्टी है वो कैसे केंचुओं को धारण किए रह सकती है, क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा केंचुए रहें, और केंचुआ खाद बनाएं हम कैसे बनाएं, और ये मार्केट में कितने रुपए मिलता है, और केंचुआ कैसे मिलता है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए शिव जी। देखिए, यदि किसी भी किसान भाई को अगर जैविक खेती करनी है तो उसके लिए उसको केंचुआ पालन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंचुआ ही एक ऐसा जीव भगवान ने बनाया है जो धरती को, मतलब इसका काम है मिट्टी को खाते रहना और उसमें सुरंग करते हुए निकलते रहना। तो ये काम ट्रैक्टर इसके सामने फेल हैं, क्योंकि ये दिन रात काम करते हैं। आजकल किसानों ने क्या गलती कर दी कि रसायन डाल के इनको ख़त्म सा कर दिया, लेकिन हमने यहाँ इस डेयरी फार्म पर सिर्फ अपनी गायों का गोबर इस खेतों में डालते हैं, प्लस वर्मी कंपोस्ट जो बना हुआ है उसको भी डालते हैं, जिससे हमारे खेतों में बढ़िया मात्रा में हो गए हैं। अब हमें विशेष अब खाद डालने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़मीन में नमी बनी रहती है और ये बरसात का जो पानी आता है उसको पूरा ऑब्जर्व रखता है, तो मिट्टी एकदम हमारी सजीव हो गई है। मिट्टी में जगह जगह सिर्फ केंचुए ही केंचुए हो गए हैं और इसका जो स्वाद है, इससे जो भी फसल होगी वो बिल्कुल एकदम जो आपको 40 साल 50 साल पहले वाला स्वाद है वो आपको उपयोग करने से महसूस होगा। बिल्कुल, जो यहाँ पे आपने बताया कि जो जहर डालने से केंचुए ख़त्म हो जाते हैं, तो कौन कौन से किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए? यूरिया हुआ, DAP हुआ, जो रासायनिक दवाएं हुई, इनको तो भूल कर भी किसान को उपयोग में नहीं करना चाहिए। कीटनाशक जो होते हैं इन सबको हमने इस्तेमाल नहीं, इसकी बजाय जो देसी गाय का जो गोमूत्र होता है, हाँ जी, उसका उपयोग अपन रासायनिक दवाइयों की जगह काम में लेवे तो फायदा हो सकता है। हाँ, और इसको क्या है कि हर सप्ताह छिड़काव करना पड़ता है। किसान क्या गलती करता है कि वो एक आध बार छिड़क के रह जाता है, जिससे उसका पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाता और इस पद्धति को वो एक नकारा समझ करके छोड़ देता है बीच में। आप आने वाले समय में क्या देखते हो, अगर केंचुए इसी संख्या से कम होते रहे, जो जमीन के अंदर हमारा प्रकृति ने हमें जो नेचुरल केंचुआ दिया है, देसी केंचुए, अगर वो खत्म हो गए जिस स्पीड से वो कम हो रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या प्रलय देखने को मिल सकती है? ये जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, इसमें बीज नहीं उगेगा और सब लोग बीमारियों से, सब जीव जगत बीमार रू हो जाएगा। अच्छा, मतलब केंचुआ अगर धरती से नष्ट हो गया, हाँ, तो मतलब सारी प्रलय आ जाएगी, सूखा, हाँ, हो जाएगा, बीज पनपने बंद हो जाएंगे और एकदम से सब बीमारियों से घिर जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई शिवशंकर भाई ने। अगर शिवशंकर भाई, अपना आप जो खाद बनाते हैं, खाद क्या भाव देते हैं आप? हम इसको 5 रुपए किलो में बेचते हैं और केंचुए हैं उसको 300 रुपए किलो में बेचते हैं। केंचुओं को 300 रुपए किलो और खाद जो है 5 रुपए किलो। यदि कोई किसान भाई इसको अगर कहीं अपनी खेत पे यूनिट लगवाना चाहता है तो वो हम
केंचुए खाद की यूनिट भी उसके वहाँ लगवाते हैं। बिल्कुल, शिव शंकर भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने खेत में प्लांट लगवाना चाहता है, अपनी गौशाला में प्लांट लगवाना चाहता है, तो भाई वो प्लांट भी लगवा सकते हैं, उसकी गौशाला में केंचुओं का प्लांट लगा सकते हैं। उसकी जो भी कॉस्टिंग आती है, कैसे क्या खर्चा रहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शंकर भाई का नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और केंचुओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस नंबर पर संपर्क कर आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अगर केंचुए ख़त्म हो गए तो समझ लो हमारा उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, बल्कि हो चुके हैं, क्योंकि हमने धरती से 80% केंचुओं को ख़त्म कर दिया है। जहाँ जहाँ हम प्रोफेशनल खेती करते हैं और रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं, तो वहाँ वहाँ पर जो केंचुए हैं वो मरते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का जो भगवान ने जिसको सद्बुद्धि दी है, कोई ऐसा किसान है जो इनको संजो के रखा हुआ है, जिसने सजो के रखा हुआ है, वहाँ से आप केंचुए ले सकते हैं। देसी केंचुए भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो अंग्रेजी केंचुए हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अच्छा, सब्सिडी के बारे में बताइए भाई साहब, इस पर कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है शिव शंकर भाई? हाँ, भारत सरकार इसको पिछले 20 वर्षों से काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है जी, और आज भी इस पे 30% अनुदान राजस्थान सरकार और भारत सरकार देती है। 30% सब्सिडी मिल जाती है इस पे? हाँ। जितनी भी कॉस्टिंग आती है उस पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपको कंफर्म है कि 30% ही मिलती है, ज़्यादा भी मिल सकती है? मुझे जितना ध्यान है उसका 30% ही है, इसके अलावा अभी नए बजट की मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो अपना देसी केंचुआ होता है उसी पे मिलती है, विलायती केंचुए पे मिलती है? ये एक एसेनिया फटीडा जो हाँ, हमने ये पाल रखा है हाँ, इस पे मिलती है। अच्छा, इस पे जो आपने पाल रखा है इस पे सब्सिडी मिलती हाँ, है? हमने दोनों ही तरह के केंचुए पाल रखे हैं अलग अलग। अच्छा, मतलब एक जगह नहीं कर रखा है हाँ, उसको अलग अलग कर रखा है। अच्छा हाँ, जो देसी केंचुआ वो अलग है हाँ, और ये जो इसका नाम है क्या हाँ, नाम इसका? एसेनिया फटीडा। एसेनिया फटीडा, इसके लिए एक छाया, विशेष छाया की जरूरत होती है। अच्छा, क्योंकि ये इतनी अपने यहाँ के हिसाब से टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल, तो छाया छप्पर इस पे रखना जरूरी होता है, जैसे आपने यहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो शिवशंकर भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ आप पे इसी तरह से 20 सालों से जो आप केंचुआ पालन पे काम कर रहे हो, और धरती को बचाने का जो आप काम कर रहे हो, जमीन को बचाने का काम कर रहे हो, वो आप निरंतर करते रहेंगे और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत आप बनते रहेंगे। जी सर, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक और जागरूक किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो इस धरती के लिए काम करता है, जो इस प्रकृति के लिए काम करता है, जो इस मिट्टी के लिए काम करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।